खबर है देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जनकपुरी में दो पुस्तकों का विमोचन किया। मैं इस केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का डीन एकेडमिक अफेयर्स एवं डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर हूं। इससे पहले मैं हमारे देवप्रयाग उत्तराखंड का जो परिसर है उसमें निदेशक के रूप में भी कार्य कर चुका हूं, जिसमें हमारे वीरेंद्र सिंह बतवाल जो यहाँ अभी आज पधारे थे वो हमारे सहकर्मी रहे हैं। उनके पुस्तक के लोकार्पण के लिए आज भारत के पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी निशंक यहाँ पधारे थे। हमारे यशस्वी कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास बरखेड़ी जी की अध्यक्षता में यह पुस्तक विमोचन कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। ये है दिल्ली के जनकपुरी स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का परिसर, जिसमें पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दो पुस्तकों का विमोचन किया। इस दौरान मंत्री साहब ने पीएम मोदी के कार्य को सराहा और परिसर में बैठे लोगों से अपनी मातृभाषा हिंदी को शिखर पे ले जाने की बात कही। आपको बता दें कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय पूरे हिंदुस्तान में अपनी 12 शाखाओं के साथ मौजूद है। और देखिए, जब मीडिया से बातचीत के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक विश्वविद्यालय के कुलपति सहित पुस्तक के लेखकों से बात की तो क्या कुछ कहा। पहले तो मैं डॉक्टर बीरेंद्र बर्तवाल जी को, जिनकी कहानी संग्रह फाल्गुनी का आज लोकार्पण हुआ, और डॉक्टर जोशी जी के संगीत से जुड़े बड़े ग्रंथ का उसका भी लोकार्पण हुआ, तो मैं इन दोनों लेखकों को बधाई देना चाहता हूं। और डॉक्टर वीरेंद्र बर्तवाल एक अच्छे लेखक हैं, बहुत पुराने पत्रकार हैं, और इस परिसर जो इस विश्वविद्यालय के एक अंग के नाते अध्यापक हिंदी को पढ़ाने की दिशा में आचार्य का काम भी कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है। फिर ये संस्कृत जो विश्वविद्यालय, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, ये मंत्रालय का काम पूरा दिखता है। भारत का शिक्षा वैभव पूरी दुनिया का सबसे बड़ा वैभव है, और उस भारत के शिक्षा मंत्रालय को सीधे यदि संस्कृत के रूप में प्रतिनिधित्व करने का काम मंत्रालय यदि करता है, तो ये केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ये वाला करता है। तो इसके लिए इनके यशस्वी कुलपति डॉक्टर श्रीनिवास जी को मैं बधाई देने के लिए भी आया हूँ। और आज मैं पहली बार में से इस विश्वविद्यालय का मुझे कुलाधिपति होने का भी गौरव मिल रहा है, और इस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय, तीन विश्वविद्यालय जो एक साथ बने हैं, लेकिन मुझे आज पहली बार एक लेखकों की रचनाकारों की रचना के साथ मैं इधर पहुँचा हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है। ये विश्वविद्यालय न केवल इस देश में बल्कि पूरे विश्व में एक नया मानक स्थापित करेगा। पूरी दुनिया तड़फ रही है, तरस रही है अब संस्कृत के लिए। संस्कृत के अंदर जो वेद, पुराण, उपनिषद सहित वो हजारों हजारों ऐसे ग्रंथ हैं जिसके अंदर ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी सब कुछ समाया हुआ है, जिसकी आज ज़रूरत है देश और दुनिया को। उसके शोध और अनुसंधान की दिशा में संस्कृत विश्वविद्यालय पूरे देश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक उपहार के रूप में बहुत सारी चीज़ों को देने वाले हैं, और मैं इसलिए उनको शुभकामना देने के लिए भी आया हूँ। हम तो बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि एक भारत के भूतपूर्व शिक्षा मंत्री, जो शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने शिक्षा नीति के जैसे बहुत बड़ा योगदान दिया है, स्वयं संस्कृतज्ञ है और कवि है, शिक्षाविद है, और नेतृत्व के रूप में हमेशा हमें प्रोत्साहन करने वाले आज हमारे परिसर में आए हैं, तो हमें एक बहुत नई ऊर्जा मिली है और प्रेरणा मिली है। आपके कर्तव्य बोध के द्वारा हमारे सारे परिसर के छात्र, अध्यापक सभी शायद शिक्षक पर्व के अवसर पर नया कर्तव्य बोध के साथ काम करेंगे, ये मुझे बहुत खुशी की बात है। जो कभी कभी हमें ऊर्जा मिलने के लिए पुराणों में एक बात आती है,
जो लोक हित के लिए मुनि स्वयं जाते हैं, तो आज वास्तविक रूप में आपने स्वयं आए हैं, स्वयं यहाँ आकर इसको इस कार्य को देखना और इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देने के लिए वो आए हैं। तो हमारा निमंत्रण, छोटा निमंत्रण आपने स्वीकार कर लिया, लेकिन हमारे लिए बहुत ऊर्जा आपने दिया है। ये कहानी संग्रह है और हिंदी में कहानी संग्रह है ये, और इसमें 8 कहानियाँ हैं। फागुनी इसका जो शीर्षक है वो फागुनी नामक एक लड़की है उसके आधार पर इसका नाम फागुनी रखा है। बाकी इसमें 8 कहानियाँ संजोग है, 2 आत्माएँ हैं, पूजा की बकरी है, दोस्ती का कर्ज है, इस प्रकार से इसमें 8 कहानियाँ हैं। और वो कहानियाँ पहाड़ के परिवेश पर आधारित हैं, आंचलिकता उनमें है, पहाड़ की गरीबी, पहाड़ से हो रहा पलायन, हमारी संस्कृति, अंधविश्वास, इन सब मसलों पर जनता को जागरूक करने के लिए और मनोरंजनात्मक ढंग से उन चीज़ों को परोसा गया है। तो इसमें ये मेरा पहला प्रयास था, इसमें आचार्य बनमाली विश्वाल जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, उन्होंने मेरा मार्गदर्शन इसमें किया है। और आज इसका विमोचन हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय मुख्यालय पर हुआ है, और पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री और वर्तमान में हरिद्वार के सांसद हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, और हमारे यशस्वी कुलपति महोदय प्रोफेसर श्रीनिवास बरखेड़ी जी, उन्होंने इसका विमोचन किया है। और ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य वाली बात है और मेरे जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों में से यह एक है। नमस्ते, मैं हूँ मोनिका रावन, और देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए उदय भारत न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि देश दुनिया की सारी खबरें आप तक पहुंचे सबसे पहले। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है,